तो साल का पहला सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 पर शुरू हुआ है जो दोपहर 12:29 पर चलेगा, यानी कि इसकी अवधि 5:24 होगी। लेकिन यह भारत के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूर्य ग्रहण पर लगने वाला सूतक भी नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि इस दौरान भारत में किसी तरह की धार्मिक बंदिशें नहीं रहेंगी। सभी जगहों पर मंदिर खुले रहेंगे और लोग पूजा पाठ भी यहाँ पर कर पाएंगे। तो देखिए, ये पहली तस्वीर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, सूर्य ग्रहण का असर देखिए। ये ताजा तस्वीर है, हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। और ये फिलहाल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ताजा तस्वीर है, सूर्य ग्रहण का असर देखिए कि किस तरीके से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के तमाम इलाके में नजर आ रहा है। देखिए, भारत में इसका सीधा असर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, प्रशांत महासागर, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अब की लेटेस्ट तस्वीर है, क्योंकि देखिए नासा भी लगातार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, जहां जहां पर सूर्य ग्रहण का असर नजर आ रहा है वहां वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से ये लाइव तस्वीरें हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण का असर जो है अब नजर आ रहा है। तो भारतीय समय के अनुसार 7:04 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और आज लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है उसमें भारत पर तो कोई असर नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ताजा तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से अब सूर्य ग्रहण का जो असर है वो साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गया है। तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सूर्य ग्रहण का सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसी राशियां हैं जिन पर मिला जुला असर जो है सूर्य ग्रहण का पड़ सकता है। कई मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं हैं, इसके साथ साथ धार्मिक मान्यताएं भी है। ये भी कहा जाता है कि आपको जब तक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि देखिए 5:24 तक इसकी अवधि है, उस बीच आपको कुछ खाना पीना नहीं है, कोई नया कार्य है उसे शुरू नहीं करना है। तुलसी के जो पत्ते हैं वो अपने खाने पर आप डाल सकते हैं। देखिए, भारत में हालांकि वैसे इसका असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, ये कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद स्नान करना चाहिए, तभी दूसरा कार्य इसकी शुरुआत करनी चाहिए। वैश्विक तौर पर शायद इसका असर हो सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जो है वो बढ़ सकती हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, ये कहा जा रहा है। जो धार्मिक मान्यताएं वो ये कह रही हैं कि इसका असर इस तरीके से जो है वो ज्यादा दिख सकता है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान की कंगाली जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, ये क्लोजअप तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाइव तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अब जो है सूर्य ग्रहण का असर जो है अब ज्यादा नजर आ रहा है। भारत में फिलहाल आपको इस तरीके की कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी, भारत में इसका असर नहीं होगा, आपको सावधानियां बरतनी जरूर चाहिए, लेकिन भारत में इस तरीके की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है, जहां पर सूर्य ग्रहण का सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, वहां पर भी सूर्य ग्रहण का असर नजर आएगा। न्यूजीलैंड में भी इसका 10:03 पर इसका असर जो है वो नजर आएगा। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जो हैं अलग अलग देशों से सामने आ रही हैं। सपना हमारी सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ बनी हुई हैं। सपना, हम दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, देखिए, और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में इसका असर नहीं होगा, अगर असर होगा तो शायद इसके अच्छे प्रभाव भारत में नजर आ सकते हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तमाम ऐसे देशों से सामने आ रही हैं। सपना, लेकिन पंडित जी से ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का क्या मतलब है, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि 3 तरह के सूर्य ग्रहण नजर आ सकते हैं, और क्या इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का असर सीधे तौर पर भारत में हो सकता है? पंडित जी, 2 सवाल हैं। एक तो 3 तरह का सूर्य ग्रहण इसको कहा जा रहा है, और दूसरा सवाल ये कि ग्रहण सुनते ही लोग डर जाते हैं, लोगों को डर लगता है, लेकिन ग्रहण से डरने की नहीं, बाकी चीजों की भी जरूरत है, वो क्या है? एक्चुअली ग्रहण एक भौगोलिक और प्राकृतिक घटना है, ये पढ़ना ही पढ़ना होता है। जब भी राहु केतु जिस राशि में होते हैं उसके साथ या उसके सामने सूर्य और चंद्रमा साल में जितनी बार आएंगे उतनी बार ग्रहण पड़ता है, क्योंकि 2 बार तो सामने आ सकता है। जैसे मेष राशि में सूर्य आएंगे 14 अप्रैल से भी 14 मई तक है ये, तो ग्रहण 2 पड़ेंगे इस बीच। जब भी ग्रहण पड़ता है 2 पड़ता है, आपको भले एक ही दिखाई पड़े,
दूसरा ग्रहण अभी 5 मई को पड़ेगा, वो चंद्र ग्रहण होगा, वो पूर्णिमा की तिथि होगी, अमावस्या और पूर्णिमा को पड़ेगा। विश्व में या ब्रह्मांड में अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण पड़ते ही पड़ते हैं। तीन तरह का ग्रहण तीन तरह का ये होता है, एक होता है कंकड़ाकृति एनुलर, एक होता है खग्रास यानी फुल, एक होता है कि थोड़ा सा धूसित हाइब्रिड। इसीलिए कहा गया कि कहीं ये पूरा ग्रहण लगेगा, कहीं आधा लगेगा, कहीं आंशिक होगा, कहीं पूर्ण होगा, इसलिए इसको हाइब्रिड कह दिया। जैसे हम चंद्रमा में देखते हैं पृथ्वी का जैसा मूवमेंट होता है, कहीं वो आधा दिखाई देता है। जैसे अभी 5 मई वाला जो चंद्र ग्रहण होगा उसमें जो पेनम्ब्रा है पृथ्वी की उसके ठीक बाहर से चंद्रमा सटता हुआ चला जाएगा, 0.045 मैग्नीट्यूड उसका होगा, तो उसको कहेंगे धूसर यानी वो कैसे धुधला सा। उसका कोई न तो धार्मिक महत्व है न और कोई महत्व है, केवल ज्योतिषीय गणनाओं में हम उसका संगीता के बिंदुओं पर उसका ध्यान देते हैं। ग्रहण से डरने की जरूरत कोई नहीं, ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमें एक अवसर देता है पूजा के लिए, रेमेडीज के लिए, तमाम कुंडली के दोषों से बचने के लिए और बहुत से राशियों के लिए फायदा देगा। जैसे इस बार मेष में लगने वाला यह ग्रहण, दोनों ग्रहण मिथुन राशि के लिए इतना लाभ देगा वो जिंदगी भर याद करेंगे। तो मिथुन राशि की मोनिका बल्ले बल्ले हो रही है जैसा बता रहे हैं, और मिथुन राशि पहले परेशान थे लेकिन अब इस ग्रहण के बाद में किस तरीके से चीजें ठीक हो रही हैं। ग्रहण सुनते ही लोग डरते जरूर हैं लेकिन ग्रहण दरअसल मोनिका ये आप ज्योतिषियों से भी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सपना, क्योंकि मैं भारत की बात इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि देखिए मान्यताएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। देखिए वो तुलसी पत्ता अगर आपके घर में है तो आप खाने में डाल दीजिए, स्नान कीजिए, ये लगातार अगर ये चीजें हैं, ये भी पंडित जी से समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दिखा रहे हैं, ये अभी की ताजा और लेटेस्ट तस्वीर है। देखिए सूर्य ग्रहण का किस तरीके से असर जो है अब साफ तौर पर जो है ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की है जहां पर अब सूर्य ग्रहण का सीधे तौर पर असर जो है वो नजर आ रहा है। देखिए भारत में इसका सीधा असर नहीं है, इस तरीके की तस्वीरें आपको भारत में नजर भी नहीं आएंगी, सूतक भी नहीं चला है भारत में। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीरें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर सूर्य ग्रहण का असर हमें नजर आ रहा है। सपना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और सपना कई ऐसी बातें हैं जो सूर्य ग्रहण के साथ जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर मैं बताऊं तो ये भी कहा जाता है आपको स्नान करना बेहद जरूरी है, आप इस बीच खाएं या पिए नहीं। देखिए 5 घंटे 24 मिनट तक ये ग्रहण लगेगा, इस बीच खाएं नहीं पिए नहीं, क्योंकि भारत में इसका असर नहीं है तो क्या लोगों को ये सावधानियां बरतनी चाहिए? अभी देखिए जैसा पंडित जी ने बताया कि भारत में ये दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ वाइब्स होती हैं, कुछ किरणें होती हैं, उसका असर पड़ सकता है, लिहाजा आप सावधानी बरतिए। और पूजा पाठ तो आप किसी भी वक्त करिए वो आपके लिए फलदायी है, लेकिन हाँ अगर आप ग्रहण के वक्त पूजा पाठ करते हैं तो वो और ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि ये 5 घंटे का समय आपको मिलता है, 5 घंटे के दौरान आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए। देखिए कोई भी मेडिटेशन मोनिका आप करते हैं, ये योगा के जितने भी टीचर्स होते हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि सीधा आप किरणों से जुड़ते हैं, आप सूर्य से जुड़ते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो इस वक्त में भी जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी पर होता है। खाना पीना स्कंद पुराण में मना किया गया कि खाना पीना नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो भी रेज आती हैं वो आपके खाने पीने पर असर करती हैं।